तो आगे से पहले यार बात करते हैं सबसे पहले अजाज खान वर्सेस सुपर खालसा के लफड़े के बारे में। तो यार कुछ टाइम से सुपर खालसा अजाज खान को रोस्ट कर रहे थे, जिसपे कि अजाज खान कल अपने दो दोस्तों के साथ इंस्टाग्राम पर लाइव आए और उन्होंने लाइव पर सुपर खालसा को काफी कुछ बोला और धमकाया भी। तो उसी पर सुपर खालसा की साइड से भी रिप्लाई आ गया है, जिसमें कि उन्होंने अजाज खान और उनके दोस्तों को क्या कुछ कहा, आप ये छोटी सी क्लिप देखो। भाई अजाज खान क्या हुआ, मैं चिंदी चोर बंगाल की शक्ल वाले कबाड़िए क्या हुआ, मेरी एक ही वीडियो से डिप्रेशन में आ गया, एक ही वीडियो से कहीं फटी पड़ी है, कभी किसी से मदद मांग रहा है, कभी किसी से मदद मांग रहा है कि सुपर खालसा ने मुझे चैलेंज किया है मुझे बचा लो, क्या हुआ, एक ही वीडियो में डिप्रेशन आ गया है। और तू जो ये हिंदू सिख हिंदू मुस्लिम ये जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है, मेरी वीडियो को एक नया रख दे रहा है कि मैं मुसलमानों के खिलाफ बोलता हूँ, मैं तो भाई इंडिया पाकिस्तान के मुद्दे पे बोलता हूँ, मैं तो पाकिस्तानियों के खिलाफ बोलता हूँ जो हमारे देश को चैलेंज करते हैं, लेकिन तुझे उससे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों है भाई? पाकिस्तानी खान पापा ने देख कितने चैलेंजेस किए हमारे देश की आर्मी को, कभी किसी को कभी किसी को कभी पीएम को, तो अगर मैं उसको रिप्लाई दे रहा हूँ उस पाकिस्तानी टट्टू दो कोड़ी के खान पापा को, तो तुझे उससे क्या प्रॉब्लम है, मुझे ये बात की समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो पहली बात तो मुझे इसका रिप्लाई देना कि तुझे इस बात से क्यों प्रॉब्लम है कि मैं खान बाबा के खिलाफ बोलता हूँ। मैं बोलूंगा क्योंकि वो हमारे देश के खिलाफ बोलता है, जो भी हमारे देश के खिलाफ बोलेगा मैं उसके खिलाफ बोलूंगा। ठीक है, और तू मेरे ही सिख भाइयों को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। अभी सिख भाइयों की बात करेंगे, लेकिन बहुत सारे मेरे मुस्लिम भाई भी हैं, वो भी मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं कि भाई इस आजाद खान को इसको टपाटप करो यार रिंग में ले जाके। तो मैंने तुझे प्रोफेशनल रेसलिंग के रिंग का यार चैलेंज दिया था, तू कहां की बात कहां ले गया, हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया, तेरे मुस्लिम भाई ही तेरे खिलाफ है भाई। आजाद खान तुझे ओपन चैलेंज है रेसलिंग के मैच का, 1 vs 1, जो तू ओजी ओजी बन रहा फिर रहा था ना, गुंडा बन रहा था, शाना बन रहा था, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, अब कहां गई तेरी शानेबाजी? मेरे साथ आजा, इधर पंजाब में रिंग लगा हुआ है रेसलिंग का, 1 vs 1 प्रोफेशनल रिंग का मैच करेंगे, पुलिस प्रशासन से प्रॉपर परमिशन लेंगे, कोई बीच में छुड़ाएगा भी नहीं, तेरे पिछवाड़े में दम है, तू जीत जाना, मेरे में होगा मैं जीत जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो क्या बहुत जल्द आशीष चंचलानी पूरब झा के साथ कोलैब करने वाले हैं? असल कल आशीष चंचलानी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सालों बाद लाइव आए थे, जहां पर उन्होंने बताया कि फ्यूचर में उनका पूरब झा के साथ कोलैब देखने को मिल सकता है। इसी के साथ उन्होंने अपने न्यू वीडियो के बारे में बताया, उन्होंने क्या कहा आप ये वीडियो देखो। अरे पूरब कैसा है मेरी जान? क्या किल कर रहा है भाई पूरब, तो यार क्या किल कर रहा है, क्रेजी यार, आई एम सो प्राउड ऑफ यू पूरब, तेरे को ग्रो होते हुए देख बड़ी खुशी होती है यार। हाँ तो गाइस और भी चीजें हो रही है, और भी बहुत एक्साइटिंग चीजें होगी, होपफुली 2024 तो ठीक है चलो काम में जा रहा है, 2025 विल बी एन ईयर जब आप मुझे बहुत देखोगे अच्छे से, एंड बहुत सारा काम देखोगे, एंड आई होप आप तभी भी उतना ही प्यार करो। प्लीज आप ऐसा मत सोचना कि मैं आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा हूँ, प्लीज ऐसा मत सोचना। ठीक है, मैं थोड़ा सा गायब हो गया था, या थोड़ी पर्सनल चीज़ें भी थी, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना था, बहुत कुछ था, मैंने सोचा लेता हूँ थोड़ा टाइम लेता हूँ, फिर जब वापस आऊँगा अच्छे से काम करेंगे और अपनी हेल्थ का ध्यान दे के वापस काम करेंगे, तो अभी मैं अपनी हेल्थ का ध्यान दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब ऐसा ही है, पूरव के साथ कोलैब, आई वुड लव टू, पूरव आया भी था बीच में, पूरव और मैंने कुछ प्लान भी किया था, पूरव ने मेरे को 2-3 बार बोला आशीष भाई करते हैं कुछ काफी टाइम से, लेकिन मैं ही खुद इतना बिजी लगा पड़ा था, लेकिन पूरव के साथ तो मेरे को 100% करना ही है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की, रजत दलाल के बारे में। तो यार इंस्टाग्राम ने रजत दलाल की आईडी को सस्पेंड कर दिया है। जी हाँ, अगर अभी आप इंस्टाग्राम पर रजत दलाल की आईडी को सर्च करते हैं तो आपको उनकी ऑफिशियल आईडी देखने को नहीं मिलेगी, इंस्टाग्राम से उनकी आईडी डिलीट हो चुकी है। तो अब ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में बताते हुए रजत दलाल अपनी एक दूसरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी लगाते हैं, आप जरा वो स्टोरी देखो। पता लगी होगा मेरा जो मेन वाला अकाउंट है वो शो नहीं हो रहा, जो मैंने स्टोरी लगाई थी कोलकाता केस वाली ना, उसके बाद मेरे पास 3 इंस्टाग्राम अकाउंट थे फेक, उनसे मैसेज आता कि इसे डिलीट करो और यूट्यूब वीडियो हटाओ। अब मुझे लगा कोई बच्चा मौज मस्ती ले रहा है तो मैंने उसका ध्यान दिया नहीं, और सेम रात को मेरा इंस्टाग्राम चलना बंद हो गया। अब भगवान जाने क्या सीन था, अब जो भी था खैर आवाज तो दबने से रही, जो चीज है सो है, तो जब तक वो अकाउंट आता नहीं है तब तक मैं यहाँ से एक्टिव हूँ, ख्याल रखो। तो चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की, थगेश की लफड़ा सेंट्रल के बारे में। तो यार लफड़ा सेंट्रल के नेक्स्ट एपिसोड के जो कंटेस्टेंट है वो रिवील हो चुके हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि लक्ष्य चौधरी हैं, जिसका एक छोटा सा ट्रेलर थगेश ने अपने यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया है, आप वो वीडियो देखो। लक्ष्य भाई वेलकम टू केशवाला एंड सन्स। सन्स का है आज फाइनली कोई आदमी आया है जो रोस्ट करता है, एक्साइटेड थगेश? कभी किसी के सामने नहीं झुकता, क्योंकि झुकते हुए से अपने मॉडलिंग करियर का नॉस्टैल्जिया हो जाता है। लक्ष्य चौधरी कास्टिज्म में बिलीव करता है, जातिवाद में। मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया जाट है। थगेश के फैंस की उम्र इतनी कम है कि अगर वो अपने मेल फैन से मिलने जाए तो उसे स्कूल जाना पड़ेगा, और फीमेल फैन से मिलने जाए तो जेल। लक्ष्य चौधरी ने एमएलएम पे बहुत वीडियोस बनाए, लक्ष्य चौधरी एमएलएम से बहुत ज्यादा रिलेट भी करता है कि वो भी अपने स्टैंड अप में 3 से ज्यादा लोग नहीं जोड़ पाया। हाँ?
ठीक है, हल्का सा जातिवाद, हल्की सी मिसोजनी, जातिवाद। एक जो डिश बनाओगे वो सिग्मा ही बनेगी वो। तो दानिश की थोड़ी बहुत क्या है, दानिश तो टिकटॉक पे मर गया बहन। भाई ये तो मुझे लगता है कि मेरी मौत तक हॉन्ट करेगी मुझे एक क्लिप। इतना कवर अप करना पड़ता है यार। तो यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना और YouTube से रिलेटेड ऐसी अपडेट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।